तो भाई लोग यार अभी चल रहे हैं साइंस सेंटर घूमने। चलो चल के दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है साइंस सेंटर। तो हेलो गाइस यार, क्या तो सभी आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और एक और नया वीडियो में सभी को फिर से वेलकम है। और आज हम लोग अभी चल रहे हैं साइंस सेंटर घूमने। और भाई साइंस सेंटर सही में ब्यूटीफुल है। आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखो भाई, मज़ा आ जाएगा। अगर ना आया तो भाई यार डिसलाइक मार के आना वीडियो को, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी अभी चल रहे हैं और हमारे बाजू में है दीघा की जो क्या बोलते हैं इसको, आज बंगाल में इसको जहाज बड़ी बोला जाता है। बाकी एक सीप है, जैसे कि आप लोग जानते हो सीप कैसा होता है, उसकी जैसा इसको लुक दिया गया है। बाकी इसके अंदर 70 शो वगैरह वगैरह और बहुत कुछ चीज़ है जो कि ट्राई करूँगा बाद में आप लोगों को बोलने का। बाकी अभी चल रहा है वो ही घूमने के लिए अभी साइंस सेंटर। बाकी देख पा रहे हो। और एक चीज़ मैं आज बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या हुआ कि मैं आज आप लोग को उतना अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा कि वीडियो में क्या 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 है, हर एक डिटेल से बोल नहीं पाऊँगा। बाकी और साइंस सेंटर के अंदर क्या क्या दिखाऊँगा ज़रूर। लेकिन हम लोग क्या थे कि हम लोग तो दिखा गए थे 3 दिन के लिए घूमने के ज़्यादा गए थे। बाकी वीडियो वगैरह बनाए थे तो एक साथ बहुत ज़्यादा घूमे थे ना, इसलिए वीडियो ज़्यादा कर नहीं पाया मैं। तो क्या हुआ कि साइंस सेंटर में क्लिप छोटा छोटा करके मैंने लिया था, पूरा नहीं ले पाया मैंने। इसलिए मैं जितना हो सकता है आप लोगों को बोलूँगा। बाकी आप देख के थोड़ा समझ जाना। बाकी भाई सही बता रहा हूँ, साइंस सेंटर एक सही में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। बाकी जितना हो सकता है आप लोगों को प्राइस वगैरह आपको मैं बोल दूंगा कि एंट्री कितने है बाकी वगैरह वगैरह। तो हम लोग पहुँच गए साइंस सेंटर के एकदम सामने ही, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है। और ये न्यू दीघा से 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा दूर नहीं है। इसका मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा और एनटीपी वगैरह मैं बोल देता हूँ। फिर भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख दूँगा सारा डिटेल्स में, जितना हो सकता है आप लोग मैं बोलूँगा। बाकी अंदर क्या क्या हम लोग दिखा हुआ क्लिप करके, बाकी जो हो सकता है आप लोग मैं बोलूँगा। बाकी आप लोग देख के थोड़ा समझ जाना, क्योंकि उतना अच्छे से कर नहीं पाए उसके लिए सॉरी दिल से। और बाकी एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं और एक जगह भी घुमाने वाला हूँ, तो बहुत जल्द वो वाला वीडियो भी आएगा। बाकी देखो इधर पे लिखा है म्यूजियम एंट्री वो है 30 रुपीज़। बाकी लिया कैटेगरी हिसाब से जो इसका प्राइस है हर एक पर्सन का। तो भाई देख पर हम लोग अंदर आ गए और कुछ इस तरह का नज़र है अंदर का। हम लोग 4 आए थे आप जानते हो। तो चलो एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये वाला चीज़ क्या है कि इसके अंदर जाना पड़ता है, क्या सीन है इसका दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये भाई सही में एक मज़ेदार चीज़ है। हम लोग क्या करना पड़ता है, इधर पे जाके रुकना पड़ता है कोई भी एक पोज देके या पे नॉर्मल सी रह के। बाकी जो पीछे एक स्क्रीन है ग्रीन कलर का, उसमें क्या क्या आपका शैडो उसमें मतलब कुछ टाइम के रह जाएगा। फिर आप देखोगे भाई यार ऐसा कर करके आप फोटो ले सकते हो। मतलब पहले तो समझ गए होंगे क्या है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। और ये साइंस सेंटर है तो इसलिए जो जो चीज़ है वो साइंस के ऊपर ही है। तो मतलब और भाई साइंस के ऊपर तो है ही। बाकी यार मज़ा आ जाएगा, जो लोग साइंस इंटरेस्ट हो या ना हो फिर भी आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ है ना भाई सही में ब्यूटीफुल है। और भाई मज़ेदार चीज़ है बहुत, और फनी वाला भी कुछ चीज़ है, बहुत कुछ चीज़ है यार सही में बहुत बड़ा है। अगर दीघा आते हो तो आप लोग ढेव सागर पार्क और दूसरा ये साइंस सेंटर, ये दोनों घूमना ही है। बाकी और भी जगह घूम सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखाया बहुत सारा जगह आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अगर नहीं देखो आप लोग जरूर से देख लेना, मैं हर एक वीडियो आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो उधर से आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी देख पर कुछ इस तरह का नज़र भाई सही में यार, क्या देखो यार हम लोग का शैडो आ गया इसमें। तो भाई यार मज़ेदार चीज़ है। चलो अभी इसके इधर से निकलते हैं और क्या क्या आप लोग दिखाता हूँ। बहुत कुछ चीज़ है भाई सही में, बहुत सारे चीज़ है। 25 रुपये में सॉरी 30 रुपीज़ में भाई भरपूर मज़े आप लोग ले सकते हो इधर पे आके। और बहुत कुछ आप सीख भी सकते हो, सिर्फ मज़े नहीं आप लोग बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हो, बहुत कुछ जान सकते हो। तो ये वाला क्या चीज़ आप लोग भाई समझ गए होंगे। चलो आप लोग मैं भी ट्राई करके दिखता हूँ क्या होता है। क्या कि इसमें आप लोग इसके अंदर से लेके जाना पड़ता है, टच ना हो जाए बस, नहीं तो उधर पे काउंट दिखा जाए। देखो उधर पे 6 दिखा रहा है काउंट, ऐसा कुछ है। चलो यार फटाफट, चलो यार मैं थोड़ा स्पीड करता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग भी देख पाओगे। तो देखता हूँ क्या मैं 0 पर ही कर पाता हूँ या नहीं। तो चलो आसानी से मैं तो जीत गया। और बाकी ये भी एक अमेजिंग चीज़ है, सारे मतलब इधर पे जो चीज़ है ना सारे यार बढ़िया चीज़ है। देखो यार आप लोग समझ गए क्या हो रहा है। मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आगे की तरफ चल रहा है वीडियो, उल्टा घुमा रहा हूँ तो पीछे तरफ आ रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा घुमा के ना इसका जो पिक्सल होता है, जो वीडियो बनने के लिए पिक्सल होता है ना, फोटो एक से बहुत सारे फोटो मिलकर एक वीडियो बनती है तो जानते होंगे। तो उस तरह कैसे होते हैं बहुत सारी चीज़ इधर से आप लोग समझ मतलब एकदम आसानी से समझोगे। बाकी यार देखो यार भाई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ है सही में। पहली बार मैं इधर पे आया और भाई पहले कभी म्यूज़ियम तो गया भी नहीं, तो इसलिए भाई फर्स्ट टाइम मैं कोई म्यूज़ियम में एंट्री किया। और भाई सही में अमेजिंग। और देखो ये वाला चीज़ भी ना मतलब चारों तरफ देखोगे ना तो आप लोगों को सेम चीज़ दिखेगा। भाई सही में यार क्या बताऊँ यार, भाई इतना ब्यूटीफुल सा जगह है ना, मज़ा आ गया था हम लोग को। सबसे ज़्यादा यही हम लोग को मज़ा आया। बाकी यार देखो तो कुछ इस तरह का लुक पूरा। तो उसके बाद ये भी एक गेम है, इसको पेशा पैरों से मैं जिधर पे पैर रखे उधर पे क्या हो रहा है कि हवा निकल रही है और फिर ये बॉल जो ऊपर जा रहा है फिर इधर से अंदर से मतलब लेकर जाना पड़ता है। ये गेम है नॉर्मल सी। चलो जो भी हो कुछ इस तरह का है, आप लोग भी आके ऐसे मज़ेदार चीज़ कर सकते हो। भाई सही में बहुत ब्यूटीफुल सा प्लेस है। भाई बहुत कुछ चीज़ आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। मेन जो है ना वो इधर पर बहुत कुछ चीज़ सीख पाओगे, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह है। तो यार एक्टिविटी मतलब क्या ही बोलूँ यार, भाई अमेजिंग। भाई सही में बहुत सारे और बहुत तरह तरह की चीज़ है। बाकी ये वाला चीज़ आप लोग तो भाई मूवी वगैरह में सभी चीज़ में देखे होंगे। भूल भुलैया चारों तरफ ग्लास वगैरह भी लगी है, तो मतलब मेन रास्ते से जाना पड़ता है। तो ये हम लोग पहली बार जब एंट्री के इसके अंदर तब तो हम लोग भाई कर नहीं पाए, मतलब थोड़ा सा गए, फिर भाई 2-3 गिलास आया, हम लोग सोचे कि यार भाई हो सकता है इसके अंदर कुछ है नहीं, निकल आए। लेकिन हम लोग दूसरी जब साइड पे गए उधर पे लिखा है एग्जिट, तो मतलब इसका मतलब ये है कि उधर से जाके इधर से निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या किया कि एग्जिट पॉइंट से हम लोग गए, फिर स्टार्टिंग जो है ना उधर से निकले। तो ऐसे करके हम लोग कंप्लीट कर लिए थे ये वाला चीज़। भाई सही में यार क्या बोलूँ यार, भाई बहुत बढ़िया यार, सही में हमारा मज़ा आ गया था हम लोगों को। तो देखो आप लोग एंजॉय करो, छोटा छोटा क्लिप हम लोग दिखाता हूँ, आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं एक चीज़ दिल से बोलना चाहूँगा, वो है कि भाई सही बता रहा हूँ, मैं साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मतलब इंटरेस्ट नहीं, मतलब यहाँ इंटरेस्ट हूँ लेकिन थोड़ा भी पसंद नहीं है मेरे को साइंस, मतलब इसमें मतलब मैथ वगैरह ऐसे मेरे को समझ में नहीं आता उतना, तो इसलिए मैं इसमें से दूरी रहता हूँ, सही बता रहा हूँ। फिर भी मैं जब प्रैक्टिकली होता है ना हर एक चीज़, जैसे कि इधर पे देखो प्रैक्टिकली हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि इसमें ना भाई और भी मज़ा आ रहा है, और भाई जानने को मन कर रहे हैं यार साइंस के बारे में, और जानूँ आगे सीखूँ, सही बता रहा हूँ। ये सब चीज़ अब देखता हूँ ना प्रैक्टिकली, हर एक चीज़ अगर दिखाता है वो आप लोगों को मज़ा आता है जानने में। तो बाकी यार ये वाला एक चीज़ देखो, एक क्लैपिंग ट्री है, क्या करना पड़ता है, बस क्लैप करना पड़ता है, बाकी इसमें लाइट जलती है। तो मतलब मेरे को याद है मैं छोटे टाइम पे एक गाड़ी खरीदा था जिसमें भी सेम इस तरह का सिस्टम था, क्या कि उसमें क्लैप करना पड़ता था, गाड़ी फिर पीछे आता था, वैसे इसमें सिस्टम है। बाकी इसके बाद एक और जो चीज़ है, ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है भाई, अमेजिंग लगा मेरे को। भाई एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ऊपर से एक लाइट है, बाकी इसमें से कम ज़्यादा करने पर क्या हो रहा है, उसका फेस दिखा रहा है, फिर मेरा फेस दिखा रहा है। भाई मतलब गोस्ट जो वीडियोस वगैरह होते हैं ना, मतलब सॉरी वीडियो या फिर मूवी में, तो इस तरह से शायद से करते होंगे भाई यार, क्योंकि एक नॉर्मल सी प्रोसेस है सही में। तो कुछ इस तरह का है, देखो यार इधर पे भी एग्जिट पॉइंट है, इधर से निकल सकते हैं। बाकी उसके बाद एक कुआ है, लग रहा है कि इतना नीचा कुआ है लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, एक नॉर्मल सी 3D कुछ फोटो या फिर पेंटिंग ऐसा कुछ है आई थिंक, नहीं तो यार इतना ज़्यादा मतलब क्यों करेंगे लोग कुआ, जो भी हो। तो कुछ इस तरह का नज़र है इधर का, जैसे कि देखो यार। और ये वाला चीज़ तो भाई अमेजिंग सा है ही, क्या बोलो, समझ तो गए होंगे। तीनों गिलास है जिसमें तीनों बॉडी अलग अलग टाइप का दिखाता है, एक मोटा, लंबा और ऐसे कुछ है, जो भी हो। तो देखो यार कुछ इस तरह के नज़र है, आई होप आप लोगों को मज़ा तो आ ही रहा होगा भाई, यार मज़ेदार चीज़ है। बाकी इधर पे गाना वगैरह बज रही है, देखो यार घुमाना पड़ता है फिर गाना वगैरह बजती है, तो किस तरह से होती है। और ये एक चीज़ है ऊपर से, मतलब यार टच करना पड़ता है फिर इधर से होती है, मतलब आवाज़ वगैरह निकलती है। एक पियानो है, तो कुछ इस तरह का नज़र वगैरह भाई अमेजिंग। तो ये एक बढ़िया सा चीज़ है, इसमें क्या है कि भाई जो बाहर का चीज़ है इसको घुमाना पड़ता है, फिर जो क्या बोलते हैं जूमिंग और जूम आउट होता है। जैसे कि देखो यार मैं घुमाता हूँ और भाई देखो जूम आउट हो रहा है, और इसमें से सब कुछ दिखा रहा है कि भाई पृथ्वी से वो कितना किलोमीटर दूर है, ऐसे ऐसे मतलब जो है ना बहुत सारे चीज़ में दिखा रहा है। अभी इस तरह से अगर करते हो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और भाई बहुत आसान है, तो मतलब भाई सही में बहुत सुंदर है। इधर पे आपको सब कुछ चीज़ के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा हो रहा है कि भाई क्या क्या करना पड़ता है, बंगाली में है, इंग्लिश में है और हिंदी में, तीनों में ही है। तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे देखो यार नेपच्यून वगैरह वगैरह, तो भाई सब कुछ है। ऊपर से ही ये लाइट पड़ रहा है, फिर आप लोग घुमा रहा हो तो ऐसे हो रहा है। तो भाई यार अमेजिंग सा एक चीज़ था। तो उसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था, वो किया कि भाई जो टाइम है ओपन होने का वो है 10 बजे, और जो क्लोजिंग टाइम है वो आई थिंक 7 बजे कैसे कुछ होगा। मैं आप लोग करेक्टली वो मैं लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, चिंता की बात नहीं है, सब कुछ मैं करेक्टली लिखा हो रहेगा, उधर चलो चेकआउट कर लें डिस्क्रिप्शन पे, मैं सब कुछ मैं लिख दूँगा। और सही बता रहा हूँ हम लोग 10 बजे से ही अंदर आ गए थे। उसके बाद भाई 2-3 घंटे कहाँ से निकल गया समझ में ना, हम लोग तो इसके अंदर ही आई थिंक 1.5 से 2 घंटे हम लोग निकल देते, क्योंकि बहुत बड़ा जगह है। आप लोगों को मैं छोटा छोटा क्लिप दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि हम लोग दिखा नहीं पाया। तो भाई यार ऐसा ही है सिस्टम वगैरह सब कुछ, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हो, हम लोग को बहुत मज़ा आने वाला अगर आप लोग इधर पे आते हो तो। और एक चीज़ मैं आप लोग बोल दूँ भाई, ऐसा नहीं कि बस यही सारी चीज़ें है, ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगा आप लोग। इसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ है, वो है कि भाई पार्क, इधर पे पार्क भी है और वो भी साइंस से रिलेटेड, तो मतलब भाई समझ सकते हो किस तरह होने वाली है। चलो इसके बाद आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी यार आप लोग मज़े लो ये वाला चीज़ का, फिर आप लोग को मैं बाकी सारी चीज़ दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये वाला चीज़ का मज़ा लो। उसके बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि है टॉर्नेडो। भाई टॉर्नेडो कैसे बनती है वो आप लोग प्रैक्टिकली इधर पे आके देख पाओगे, जो कि एक भाई आपसे क्या बोलूँ सबसे अमेजिंग सा चीज़ मेरे को तो यही लगा। लेकिन एक चीज़ के लिए सॉरी कि भाई मैं अच्छे से वीडियो बनाया था, बाकी वो वीडियो क्रैक हो गया जिसका मैं आप लोग दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा समझो कि इधर पे एक पानी है, नीचे जाके देखो थोड़ा सा पानी वगैरह है, तो इधर से फिर क्लिक करना पड़ता है स्विच को, फिर ये बनती है, मतलब छोटा छोटा करके फिर पूरा एक बड़ा बनती है। तो इस तरह से होती है टॉर्नेडो वगैरह बनती है, तो वो प्रैक्टिकल वो देख पाओगे, सबसे बढ़िया चीज़ है। तो चलो अभी इधर से निकलते हैं, फिर आप लोग को दूसरे सारे चीज़ दिखाता हूँ। तो बाहर आके और बाहर आते हैं हमारे सामने जो चीज़ मेन चीज़ जो देखने को मिलता है, ये भाई देखो यार नल है और एक पानी निकला है, लेकिन कहीं पर इसका डंडी नहीं जिधर से पानी जा रहा है, तो मतलब भाई बहुत लोग वैसे पहला जो जब दिखेगा तो वो लोग मतलब शौक हो जाएंगे भाई कैसे हो रहा है। बाकी इसके बारे में मेरे को पता है जब हो तो उसके बाद घूमते पहले क्या चीज़ है भाई देखो यार, ये एक भाई अमेजिंग चीज़ है। देखो भाई बहुत बढ़िया साउंड निकलता है इसमें से, जैसे कि देखो यार अंकल जी कर रहे हैं, मैं करता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके बाद फिर अभी आगे की साइड चल जाओ, इधर से इधर पे भी मतलब पार्क है, इसमें भी बहुत सारे चीज़ें मतलब पार्क में छोटा सा एक पार्क है बस साइंस रिलेटेड कुछ चीज़ें है, ऐसा नहीं इसमें भी बहुत सारे चीज़ें है। तो भाई सही बता रहा हूँ अगर भाई इधर पे आते हो तो आप लोग टाइम लेके आना सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप लोग अगर पूरा अगर मज़ा लेना चाहते हो। बाकी कुछ टाइम के लिए 1 घंटे है तो आप लोग ईजिली घूम पाओगे, फिर भी यार सारा टाइम लेके आना, आई थिंक आप लोगों के लिए बेस्ट है भाई, पूरा घूम पाओगे उसमें से क्या। चलो यार दिखाता हूँ ये एक भाई चीज़, देखो मैं मूवी में वगैरह देखा था ये वाला चीज़, छोटा सा क्लिप है। फिर उसके बाद इधर से देखो भाई एक पूरा ही दिखाएगा, चलो भाई दिखाता हूँ लोगों तो मतलब भाई मज़ेदार चीज़ है भाई। सबसे मज़ा तो हम लोग इधर पे आके आया था भाई, 30 रुपये में सबसे भरपूर मज़ा हम लोग लिए थे भाई। देखो यार कुछ इस तरह क्या चीज़ें, देखो तो बहुत सारे चीज़ें इधर पे देखो, ज़्यादा स्पीड से घुमाता हूँ क्या हो रहा है, लग रहा है कि भाई पंछी भाई जो केज है उसके अंदर है, देखो है जैसे कि देखो। तो भाई बहुत सारे चीज़ें, बहुत तरह तरह की चीज़ें, तो आप लोग मज़ा तो भाई आने वाला अगर आते हो तो। बाकी सारी चीज़ आप लोग देखो, मज़ा लो। तो कुछ इस तरह का है पार्क, और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं आप लोगों को सब कुछ तो दिखा नहीं पाया और मैं सब कुछ वीडियो भी किया नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी आप लोग निकल ही रहे थे कि उसके बाद एक चीज़ हमें दिखा कि भाई जुरासिक पार्क, भाई इसमें भी जुरासिक पार्क कहाँ से आ गया और भाई ये क्या चीज़ है। तो इसको देखने के लिए हम लोग निकल ही रहे थे, फिर से हम लोग अंदर गए, इसके अंदर देखे कि भाई इसके अंदर क्या है। तो इसको देखने के लिए अभी चलो अंदर दिखा था वो लोग क्या क्या है। तो फिलहाल जब इसके अंदर से जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारे चीज़ें में लिखा है, टाइगर वगैरह वो जो चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ लिखा है इसमें जो दीवार पे है। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन वगैरह क्या क्या है, किसका नाम क्या है, सब कुछ इसमें लिखा है, जो कि आप लोग भाई चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी उसके बाद क्या है कि भाई चलो दिखाता हूँ अभी क्या, हम लोग पहले तो आए थे, उसके बाद आखिर इधर पे जो दिखा भाई बहुत सारे स्टैचू बने हैं, जैसे कि देखो डायनासोर है और भी बहुत सारी चीज़ जो पहले चीज़ मतलब प्रजाति का जो चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ स्टैचू बनी है। फिलहाल अभी बहुत सारी चीज़ टूट गया है, हो सकता है बाद में इसको इम्प्रूव करके और भी सुंदर वगैरह करे तो आप लोग तब और भी चीज़ आप लोग देने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का था साइंस पार्क और साइंस सेंटर तो आप लोग घुमा ही। तो भाई सही बता रहा हूँ आप लोग जितना दिखा है इससे भी बहुत सारे चीज़ अभी भी है, मैं सब कुछ तो भाई वीडियो कर नहीं पाया, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला पहले ही। जो भी हो तो कुछ भाई बढ़िया प्लेस है, आप लोग भाई एक बार अगर दिखा जब भी आते हो तो आप लोग ये बड़ा चीज़ जरूर से घूम के आना, एक बार आना मज़ा आ जाएगा। तो चलो यार आज के लिए भाई इतना ही, मिलता है इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।